ये देखें फ्रेंड्स, ये ऐसी चीजें खाती है। हाँ नहीं कुछ नहीं, इतना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और जी मैं आज बना रही हूँ पकोड़े, और अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव थी। आज मेरा दिल है अंडे वाले पकोड़े बनाने का, चिप्स वाले पकोड़े बनाने का, और साथ ये पालक वाले पकोड़े बनाने का। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको साथ साथ आपके साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये ऐसी चीज़ें खाती है, और फिर इसके पापा मुझे डांटते हैं कि कैसी चीज़ें खिला रहे, क्यों मंगवाई हसन, इतनी खट्टी चीजें क्यों लाए हो? और जी ये देखें कि मैंने चिप्स वाले पकोड़े बनाने हैं, इनको इस तरह मैंने काट लिए बारीक बारीक, वैसे कि मैंने कटर से किया है, ये देखें ऐसे बारीक बारीक करके काट लेना है। और साथ ये मिक्स पकौड़ों का मटेरियल है, इसमें प्याज ऐड करूँगी, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, ये सब कुछ। क्या मसला है आपको? उठो पूरा में वो भी ऐसे ना, उसके बाद अब आपको चीटोस नहीं दूंगी। पूरम ये आप क्या कर रही हो बेबी? वो आपने वो अपने कपड़े क्यों उठा के फेंके हैं? वो भी अच्छे थे, खैर ये भी अच्छे हैं। हाँ हुरम खुद ही पहन लेती है, अब बड़ी हो गई है ना हुरम। अब हुरम आप क्या कर रही हो? हुरम ये क्या? ये मेरे दोस्त हैं। जब आप छोटी होती थी? जब मैं बड़ी हूँ तब। अब आप बड़ी हो? आप अभी भी छोटी हो बेबी। और मैं पकौड़े बनाने लगी, और मुस्तफा मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। क्या बात है बेबी, क्या बात है। और जी इसके अंदर मैंने प्याज डाल लिए थे, प्याज डालने के साथ साथ मैंने सब्ज मिर्चें, नमक, मिर्च, जीरा, सारे गरम मसाले ऐड कर लिए थे। अब इसमें पानी डालूंगी, थोड़ा सा बेसन और डालूंगी, और इसको रेडी करूंगी। और ये देखो भी शायद लेकर आओ, ये देखें ये आलू के चिप्स रेडी हो रहे हैं। इसमें ये चिप्स होते गोल वाले, और ये यहाँ पर फ्राई हो। अब यहाँ मैं लगा रही हूँ वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाले थे, अब इसको करूँगी मैं स्टार्ट। पहले वाटर लेवल इसका देख लें, आज संडे है, मैंने कहा ये वाला काम भी साथ साथ फिनिश किया जाए। और यहाँ पे बच्चे खा रहे थे खाना, ये टिक्की अम्मी ने भेजे थे, और साथ साथ मैंने पकोड़े बना लिए थे। पकोड़ों की स्पेशल वीडियो बनाना तो मैं भूल ही गई, क्योंकि इतनी गर्मी थी, ऊपर से बच्चे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे थे। तो बस मैंने रैंडम सी, ये मुझे एंड में याद आया जब हमने सारा कुछ खा लिया, अंडों वाले जो पकौड़े थे उसकी तो मैं वीडियो ही नहीं बना सकी, वो तो सबने खा ही लिए थे। और जी यहाँ पर खाना बच्चे फिनिश कर चुके थे, हस्बैंड अभी तक आए नहीं थे, मैं उनका वेट कर रही थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था हस्बैंड अभी तक आए नहीं थे, हस्बैंड आए, उन्होंने बेल दी, उन्होंने कहा बस नीचे ही आ जाओ, मुझे काम के सिलसिले में कहीं जाना है, और साथ तुम भी आ जाओ। तो मैं भी फिर साथ चल पड़ी, पेट्रोल वगैरह भरवाया, और फिर हम चल पड़े लॉन्ग ड्राइव पे। उन्होंने खैर मेरी तो खैर लॉन्ग ड्राइव थी, बट उन्होंने किसी काम के सिलसिले में कहीं जाना था, तो मैंने कहा चले मैं भी साथ ही चलती हूँ, इस तरह मेरी चलो इन्जॉयमेंट भी हो जाएगी। बाय। बाइक वाले का हाल देखिएगा, ये देखें ये बामुश्किल एक्सीडेंट होते होते बच्चा है। और जी यहाँ पे फ्रूट्स इतना ज़बरदस्त लग रहा था, माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त फ्रूट की रेड़ियाँ थी कि दिल कर रहा था कि सारा फ्रूट ही यहाँ से ले जाए। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि बच्चे क्या सोचेंगे कि हमें घर में पकौड़े खिला के मामा पापा खुद आउटिंग पर निकल गए।
और ऐसे ही इमरान ने बेल दी और मैं नीचे चली गई और एकदम उनका प्लान बन गया खाने का। मुफ्ती तारिक मसूद ने चौथी शादी खड़का दी, कर ली उन्हें। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे, जैसे कि आपने सुना है कि जी किसी मुफ्ती ने और चौथी शादी कर ली है, और मर्द कितने खुश होते हैं ना किसी की भी यह दूसरी या तीसरी या चौथी शादी का सुन के, फुल एंजॉय करते हैं। और जी यहाँ पे जैसे कि आपने देखा है कि हमने मंगवाई थी चिकन कढ़ाई और ड्राई चिकन चिली और साथ फ्राइड राइस और साथ रोटियाँ, और ये चीज़ें अब वीडियो में तो मैं बना रही हूँ। अब मुझे पता है कि घर जाके मेरी शामत कितनी आनी है। बच्चों ने कहना है कि आपने आज हमें पकोड़े खिला के और ख़ुद आप इंजॉयमेंट में निकल गए, लेकिन हम उनके लिए भी लेके जाएंगे जाते हुए। ये कैंट में होटल है और ये काफ़ी पुराना होटल है, दारुल कबाब, और इनके कबाब भी, इनके राइस भी, इनकी कढ़ाई भी, एवरीथिंग, इनकी हर चीज़ बहुत मज़े की होती है। और फ्राइड राइस और ड्राई चिली तो बहुत ही मज़ेदार पेयर बनता है ये, और साथ कढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। और आप लाजमी आइएगा और इस होटल में ट्राई कीजिएगा अगर आप हमारी सिटी में रहते हैं तो। और अब हम जा रहे थे घर, काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि इमरान ने भी अपने काम के सिलसिले में जहाँ जाना था वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग गया था, और खाना खाते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, रात हो चुकी थी। अब हम आ गए थे घर, और जी लास्ट में दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।